ओके, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बता बढ़ते तो हैं। चुके हैं। रिजवान मंसूरी साहब, अच्छा भाई जी साहब, ये मैं शॉर्ट का सुनो। लिंक दे रहा हूँ लोगों को, ये है हाँ प्राइवेट पार्ट ऑफ अल्लाह। लो भाई लोगों, ये शॉर्ट जो है ना फैला दो दुनिया में। ये जनाब ये आ गई है, मैंने शॉर्ट भेज दी है, ये मेरे चैनल पे मौजूद है, और देखनी है तो इसको दिखा भी देते हैं लोगों को। बताओ जिस बताओ। तरह बाकी चीजें हैं उस तरह आपके अर्ली सहाबाए किराम ने माना है कि अल्लाह मियाँ का उसी तरीके से प्राइवेट पार्ट भी है, क्योंकि बाकी चीजें हैं तो प्राइवेट पार्ट भी होगा। ये देखिएगा, चलाते हैं। टाइम अल्लाह के पास मेल प्राइवेट पार्ट है या फीमेल? अल्लाह तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा जब मैं ईमानियत में था, तो अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। सर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या अल्लाह का चेहरा है? उसने कहा हाँ, जब तक कि उसने हर एक एक अजा के बारे में बयान पूछ नहीं लिया, हर एक के बारे में उसे जवाब मिला नाम यानी कि हाँ। इन्ना अनफुन यानी नाक, फमुन यानी मुंह, सदरुन यानी शीना, बतनुन यानी पेट, अस्तहीत तो अन अस्कुरुल फरज। और जब उनके फर्ज का जिक्र किया गया कि शर्म का, तो उसने पूछा कि जो फर्ज है ये है अल्लाह के पास? फकाला नाम, हाँ जी है। तो फिर उसने पूछा कि ये जो जिक्र है फर्ज, ये उम है या उसी है? मेल या फीमेल? तो उसने कहा जकर है, ये LUND। ब्लंट प्रीमियम स्टाइल लास्टिंग परफॉर्मेंस। यार मुझे ये बताएं, फौज हो जा जी सर, ये शॉर्ट आप तक पहुंच गई है, और एंजॉय कीजिए एंड हैव फन, और शेयर कीजिए, और इट्स अ गिफ्ट टू एवरीवन। अपने मुस्लिम भाइयों को भी गिफ्ट के तौर पे दें, ये तोहफे के तौर पे दें छोटी सी शॉर्ट, तो ये बांटे। ये क्या कहते हैं साहिल साहब, वो जब आप किसी त्यौहार पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? तबरुक, तबरुक के तौर पे बांटे, अपर लोग। तबरुक, हाँ तबरुक के तौर पे बांटे इसको, ये शॉर्ट को ना। जी जी रिजवान साहब जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन है? जी मोमिन है। यार भाई मोमिन अच्छे है, लग नमाज रहे हैं मुझे, पढ़ते हैं शरीफ इंसान है, शरीफ इंसान लग रहे हैं जी, पढ़ते अच्छी हैं। बात। बात हो चुकी है आपसे, हाँ आपने आईडी भी ब्लॉक कर रखी है मेरी, एक तो उसको अनब्लॉक कर दीजिए। आपकी आईडी क्यों ब्लॉक हुई? कुछ हरकतें किए थे आपने या ऐसी ब्लॉक हो गई? नहीं, आप गुस्सा आ गए थे कि आप नमाज नहीं पढ़ते तो इस्लाम को दिफा कुछ करने चले गए। सही यार, ये तुम लोग क्यों आते भाई दिफा करने? नहीं तो हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं, सैटरडे संडे पढ़ते हैं, पूरे हफ्ते नहीं पढ़ पाते, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा अत्तहियात पढ़ो। अत्तहियात सलावत व तय्यिबात व सलाम अलैका, आती मुझे तो ये बोलने की जरूरत नहीं थी, कंप्लीट करने की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अच्छा चलो बोलो, क्या कहना है? अल्लाह के बॉडी पार्ट्स है नहीं है? नहीं, आपने जो टॉपिक रखा है कि अल्लाह निराकार है, ऐसा नहीं है, अल्लाह निराकार नहीं है। अल्लाह निराकार नहीं है, अल्लाह भी एक आकार है। हाँ आकार है उसका भी एक। ओके आकार है सर, सब माने है, तो आप मानते हैं कि हाँ अल्लाह आकार के है। हाँ ये तो पहले के लोग क्रिश्चियनिटी वाले जूस वाले भी मानते ही थे, हमें ही अच्छा। मानते हैं, और हमारे कुरान में भी ये चीज लिखी हुई है। ओके साहिल साहब, यार ये कितना कितना अच्छा है यार, ये मान गया कि अल्लाह का आकार ये है। आगे जाके गेम डालेगा एडम साहब, आप देखो बात करके। अल्लाह का तो आकार है, मान गया यार, तो बात खत्म हो गई भाई, तुम्हारी माई लड़ाई कोई नहीं है, अल्लाह का आकार है। तो अल्लाह का मेल प्राइवेट पार्ट है या फीमेल या दोनों? अब वो तो हमें कयामत के दिन भी पता चल जाए कौन सा है, वो तो है वो का ही। क्या कयामत के दिन देखने की तमन्ना है? कयामत के दिन सारी दुनिया नंगी होगी, अल्लाह भी नंगा होगा जो ना? जन्नत में जाएगा उसको तो अल्लाह का दीदार पूरा होगा भाई, उसमें कोई दो गाय नहीं। अगर हम भी जन्नत में गए तो अल्लाह भी नंगा होएगा, जैसे तमाम मुसलमान नंगे होंगे अल्लाह भी नंगा होएगा, राइट? हाँ तो कपड़े कौन पहनता था पहले? कपड़े तो इंसानों ने स्टार्ट किए पहनना, जानवर भी कपड़े नहीं पहनते आज भी। साहिल 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 साहिल
साहिल गेम खराब हो रही है, मैं ये मुसलमान ही नहीं है, मैं इतनी बात इसी वजह से मैंने इसको ब्लॉक किया था एडम साहब। मैं जब साहिल ये मुसलमान नहीं है, ये जो बातें बोल रहा है, हो सकता ना अपन ब्लॉक कर दे सिर्फ इस बात पे कि भाई नमाज नहीं पढ़ता हूँ, इसकी गेम तभी समझ गए थे हम। ये मोमिन आई नहीं भाई, मोमिन आई नहीं भाई, तेरे जैसे मोमिनों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है स्ट्रीम में। आप जाओ कोई मुफ्ती इफ्ती के पास जाओ और वहां जाके बहस करो। तेरे ऐसे सारे मुसलमान हो जाए तो भाई दुनिया सवर जाएगी। ओके, ये कौन है? इस्लाम इज रिलीजन ऑफ साइंस। अच्छा, ये भाई तो लास्ट टाइम भी आए थे। नहीं, नहीं। हाँ प्यारे भाई, अनम्यूट कर ले भाई। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ साइंस। चलो ये चल दिए। ये कौन है? अब्दुल साहब जी। अब्दुल साहब जी, अब्दुल साहब अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जी अब्दुल साहब, साहिल भाई तुम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जी नहीं, एक्स हूँ। एक्स हो गए? पहले भी आए थे ना शायद अब्दुल भाई आप? हाँ जी, हाँ जी, जी। आए थे ना पहले? हाँ। भी ओके, क्या कहने आए हैं? पहले आया था। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप पहले आए थे। हाँ आया था, लेकिन मैं दूसरी आईडी से आया था और आपने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। बात हुई थी इधर या नहीं हुई थी वो पूछ रहा हूँ। नहीं बात नहीं हुई थी। अच्छा बात नहीं हुई थी, ठीक है। नमाजे वमाजे पढ़ते थे आप? जी नमाजे पढ़ते थे? हाँ पढ़ता, हाँ पढ़ता था। पढ़ते थे बहुत ज्यादा? हाँ, पढ़ते थे या कम कम पढ़ते थे? बहुत ज्यादा, पांचों वक्त। पांचों वक्त फजर भी पढ़ते थे? जी फजर भी पढ़ता था। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे अब्दुल भाई प्यारे मेरे। जी आयतुल कुर्सी मुझे तो नहीं आती, मेरे दोस्त को आती है, ये सुला रहा है। मुझे तो दूसरे सूरे आते, जितने याद थे मैं उतने सुना सकता हूँ। सुनाइए। एक्स मुस्लिम आप हैं, आपका दोस्त बहुत वक्त हो गया तो इसको थोड़ी याद है, थोड़ी नहीं। क्या बोले? आमलू ये थोड़ा याद है मैं। आमलू हेलो। क्या अब्दुल भाई, क्या पांच से भूल गया, भूल गया, काफी भूल गया यार। आप अब्दुल भाई होंगे मुसलमान, दैट इज गुड। भूल गया, आप इस्लाम छोड़ दिया, दैट इज गुड। तो याशी करें यार, क्या यार यहां पे टाइम जाया कर रहे हैं अपना। हां हां वो तो है, वो आपको सुन सुन के छोड़ दिया। अच्छी बात है, वही मैं कह रहा हूँ, अभी याशी करें सर। हेलो, और साथ के साथ मेरा दोस्त था उसको भी छोड़वा दिया। बहुत और अच्छी क्या बात है, आयबा पटेल लग रहे तुम एकदम। उसका भाई था, उसका भाई था, उसको मदरसा में डाला था, उसका मदरसा भी छोड़वा दिया। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात। नहीं तुम्हारी आवाज से ऐसा आयबा पटेल लग रहे एकदम, तुम चरस मार मार के गला जो है ना उस अंदर से थोड़ा घिस गया है तुम्हारा गला, आवाज जारी हो गई है तुम्हारी। घर में हूँ ना, इसलिए तो ऐसे बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरे को लगा चरस भी पी के गला खिरा हाँ। वो हो गया उधर। लेकिन साहिल भाई मैं आपको सुनता रहता हूँ। हेलो, हाँ बोलो बोलो साहिल भाई, मैं आपको सुनता रहता हूँ। जब लेकिन जब इतना जमात में जाना था मेरा,
मतलब जमात में जाना मेरा, मेरे दोस्त कहाँ, मतलब ऐसे जमात में जाते थे कि गैर मुस्लिम में तो इतनी दुश्मनी देखने लग गए थे हम, कह तो काफिर है, ये तो दुश्मन है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में भर गया था। हाँ लेकिन फिर फिर अचानक आप मैं निकल एक गया दिन क्या? मैंने ये नहीं, लेकिन अचानक एक दिन मैंने YouTube पे सर्च मारा कि कोई क्रिश्चियन ने इस्लाम कबूल किया है क्या, तो हाँ वहां पे कौन आया क्रिश्चियन? जी नहीं सॉरी, मैंने ऐसा सर्च मारा कि कोई ईसाई हाँ ने इस्लाम कबूल किया है क्या, या कोई ईसाई ने इस्लाम छोड़ा है क्या, तो उसके लाइन में आप भी आ गए। तो मैं सोचा ये एक्स ओ मुस्लिम क्या है ईसाई इस्लाम कैसे छोड़ सकता है? जी नहीं मतलब जी नहीं मतलब ऐसा ईसाई सॉरी ये भारी था आ गया, लेकिन मतलब यार ये सुनो ना क्या है तुम्हें, यार मतलब भाई नहीं मतलब कितना पिया अरे हो तुम भाई तुम तो बहुत हार्ड हो। हो जाती है गलती हो जाती है। जी हेलो हाँ अब्दुल भाई आगे बोलो। हाँ हो तो जाते उसमें हैं। हम हमारा भी आ गया अरे नहीं वीडियो। क्या हुआ, नहीं तो क्या हुआ साहिल भाई, मतलब एक ईसाई था वो मुझे मिला था तो उसने इस्लाम कबूल किया था। हाँ पादरी का भी नहीं चल रहा है हाँ तो कैसे उससे भी बोली मेरी मुलाकात हुई थी, तो वही सब मैं ढूंढ रहा था यूट्यूब पे, तो अचानक फिर आपसे आपकी भी स्ट्रीम मैंने सुनी, जब आपकी स्ट्रीम ओके। मैंने सुनी तो मेरा ईमान इतना खुल गया कि बस पूछो मत। अच्छा कितने महीनों से देख रहे हो? मैं कम से कम रमजान के बाद की बात है, ये रमजान अभी का? हाँ ये अच्छा चलो यार अच्छी बात है, ताजा ताजा तुम्हारा ईमान खोया है तो एंजॉय करो प्यारे भाई अब्दुल भाई। हाँ, खोया है, साथियों के फोन आते, आप आते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं हो, तो मेरे तो दिल से हाँ यही दुआ लगती लिख मेरे तो दिल से यही दुआ निकलती भाई, ऐसा ईमान तुम्हें मुबारक हो, हाँ बिल्कुल सही। हमें नहीं, हाँ ऐसा ईमान हमें, ईमान हमें नहीं चाहिए जो लोगों में दुश्मनी फैलाता हो, भेदभाव पैदा करता हो। अरे साहिल भाई बोलते थे कि इस्लाम में भेदभाव नहीं है, लेकिन इतना भेदभाव है, इतना भेदभाव है कि बस आप क्या बताओ, बिल्कुल बिल्कुल आपस में अब्दुल भाई लड़ते, बहुत ये अच्छा लड्डू लगा। है बहुत भेदभाव है, फिरका परस्ती है, बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे के लिए नफरतें हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन आप निकल गए बहुत है बहुत। और जी अभी आप जो है वो खुश रहे, आगे बढ़े, आबाद रहे, यही हमारी दुआ है। और हमारे अब्दुल भाई के लिए जो है वो एक गुलाब का फूल भेज दे। अब्दुल भाई आप यूट्यूब से जाके देखिए, कुछ मोमिनों से आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और मेरा मेरा दोस्त भी है, उसके लिए भी बिल्कुल वो सर भी सुन बिल्कुल, रहा है आपको, दोनों हाँ के लिए, दोनों के लिए गुलाब भेजो भाई, मेरे दोस्त के लिए भी भेजो। हेलो हेलो साहिल भाई मेरे दोस्त से बात हाँ करो ना। तो उनको आयतुल हेलो कुर्सी आती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी भाई आती है। पढ़ के सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वा ला नौम लहु मा फिस समावाति वा मा फिल अर्ध मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इन्दहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम वा मा ख़ल्फ़हुम वा ला युहीतूना बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ माशाओं 150 के स्पीड में आपने आयतुल कुर्सी पढ़ दी, क्या आप वही वाले भाई है जो मदरसे में गए पहले थे? ला ना ना मैं मदरसे में नहीं था, मेरा इलाहा छोटा इल्लल्लाह भाई वल मदरसे में, कय्यूम ला बट इलाहा मैं लोगों को इल्लल्लाह नमाज वल पढ़ाता हय्युल था। अच्छा एक मिनट एक मिनट, अब्दुल भाई थोड़ा रुक जाओ आप, ये कौन बोल रहा है, सोयम हाँ बोल रहा है क्या? एक मिनट रुक। हाँ भाई प्यारे भाई थोड़ा सा जोर से बोलो आप। आप कह रहे थे जी कि आप मेरा नमाज छोटा भी भाई पढ़ाते मदरसे थे। में था, नहीं हाँ मैंने नमाजें तक पढ़ाई है लोगों, तो आपको छोड़ के कितना दिन हुआ? मगर अब अब्दुल भाई ने तो बताया उनको अभी इसके ये रमजान में ही छोड़ा उन्होंने, मेरे ख्याल से तकरीबन रमजान जाके कुछ 4 महीना हाँ हुआ है शायद, देखो पांच उन्होंने महीना। छोड़ा ना तो हमारी बहस चल रही है बात पे, यही उन्होंने धीरे धीरे हाँ समझाया तो मैंने भी छोड़ दिया। एक्चुअली में फिर मैंने भाई ऐसा ये थोड़ी थोड़ी नमाजें पहले छोड़ना स्टार्ट किया। अच्छा सिर्फ 1 मिनट देना, मैं आपको मौका दूंगा पूरा बोलने। भाई लोग एक तो चीज ये कंफर्म हो गई, जो अब्दुल भाई आए थे वो भी मोमिन है और हमारे ये प्यारे भाई वो भी मोमिन है। आप सोचो कि ये रमजान अभी जो गया है,
हमारी वीडियो इनको मिली है, सर्च कर रहे थे कि कौन सा ईसाई जो है वो इस्लाम कबूल करता है, उसमें हमारी वीडियो मिली। अब्दुल भाई तो निकले निकले, अब्दुल भाई ने अपने दोस्त को भी निकाल दिया। यानी आप सोचो कि ये जरूरी नहीं है कि इस्लाम से बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना है। कभी कभार कुछ जो सिंपल लोग होते हैं उनकी बातों से भी इफेक्ट आता है और वो निकल जाते हैं। तो मैं तो अभी सलूट करूंगा हमारे अब्दुल भाई को। यस भाई, आप बताइए क्या हुआ था, दोनों की बात क्या हुई, क्या पहले? अच्छा सॉरी, एडम कुछ बोल रहा था। कहना चाहूंगा यार कि वाकई में शुरू में अब्दुल भाई जब आए अपनी बातों से लग नहीं रहे थे कि इतने सॉलिड मुसलमान हैं, और इतना ज्यादा इस्लाम को ऑब्वियसली नहीं कर रहे थे वो, लेकिन इन्होंने एक दूसरे बंदे को भी निकाल दिया। ये सर ताकत है इंटरनेट की, इन अदर वर्ड्स कि इन्होंने देखा, और दूसरी बात इन्होंने देखा और समझा। अगर आप अपना दिमाग बंद कर लोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने देखा और समझा। भाई आप दोनों भाइयों को मेरी तरफ से भी सलूट है। एडम भाई क्या हुआ था, मैं गए रमजान को, मैं अपना इत्तेकाफ में था, इत्तेकाफ में भी गया था। हाँ बोले तो इत्तेकाफ में था, तो जी जब मैं इत्तेकाफ में बैठा था तो वो खानकाह में था। तो वहां पे जब अब्दुल भाई आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलो, इत्तेकाफ में बैठे थे तो क्या हुआ? हाँ जब मैं इत्तेकाफ था तो तरावी पढ़ने में फिर दुआ हुआ करती थी, फिर वहां की दुआ होने के बाद खानकाह में भी, मतलब वहीं पे अंदर ही खानकाह थी। तो मैं एक्चुअली मैं था खानकाह में, इत्तेकाफ के हिसाब से मैं खानकाह में था। तो वहां पे जब खानकाह में जब दुआ हुआ करती थी तो वहां दुआ होती थी कि अल्लाह के जिसको हिदायत तूने, जिसको जिसके मुकद्दर में तूने हिदायत लिखी उसको हिदायत दे दे, और जिसको हिदायत नहीं उसको नष्ट नाबूद कर दे। तो मैं सोचता था इसमें तो मतलब नष्ट नाबूद कर दे जिसको हिदायत नहीं है, मतलब इसमें तो मेरे माँ बाप भी आते हैं, मेरे भाई आते हैं, मेरी बहन आती है। तो मैं सोचा यार ये कैसा धर्म है जो बद्दुआ देता है लोगों को। अरे यार इतना मस्त इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा था, लेकिन इनका इंटरनेट का काम खराब हुआ। आई वांटेड टू लिसन जो बोल रहा। आ गए अब्दुल भाई, आ गए अब्दुल भाई। थोड़ा आपको सुनाई दी वाली नेटवर्क वाली जगह पे रहेंगे क्या? अभी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे 5-6 सेकंड के लिए। हेलो, हाँ बोलो। आप बोल रहे थे कि वो बदुआ दी और आपको बुरा लगा वो। हाँ जी, तो साहिल भाई मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैं सोचा ये कैसा धर्म है, ये कैसा अल्लाह है जो, मतलब ये धर्म कैसा जो लोगों को बद्दुआ देता, जिसको हिदायत है उसको हिदायत देना, जिसको हिदायत नहीं उसको नष्ट नाबूद कर देना, मतलब ये कैसी बात हो गई। और साहिल भाई आपको बोलूं, मोदी के नाम से तो इतना चिढ़ते मोदी के नाम से मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोदी ने कौन सी उनकी बहन भगा दी है मोहब्बत की? एक मोदी, दूसरा योगी और तीसरा यहूदी और चौथा आरएसएस। हाँ, ये एकदम बचपन से हेट डाली जाती है इनके खिलाफ। जी। अरे साहिल भाई, मैंने आपकी बात सुन के मेरा एक दोस्त है दुबई में, मैंने उससे थोड़ा भेसबाजी की आपके, मैंने बात सुन के, तो मैंने बोला भाई मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो बोलता कि क्या हो गया? मैंने बोला भाई इस्लाम बरोबर नहीं है मेरा, हो सके तो मेरी राय ये कि तुम भी छोड़ दो अगर तुम में इंसानियत आ जाएगी। अरे बराबर नहीं है क्या? मतलब बराबर किसके बराबर नहीं है? मतलब इस्लाम बराबर नहीं है भाई, तू इस्लाम छोड़ दे। मैंने अपने दोस्त को बोला इस्लाम छोड़ देगा तो तुझ में इंसानियत आ जाएगी, इस्लाम नहीं छोड़ेगा तो तुझ में शैतानियत ही भरी रहेगी मोहम्मद की। वल्लाह हबीबी। फिर क्या हुआ साहिल भाई? ये भी हाँ, तो मैंने उससे बेजबाजी की, तो मेरे को बोलता है, तो मैंने बोला तुमको मालूम है अपने शिवाजी महाराज मोहम्मद से अच्छे थे? बोलता क्यों? मैंने बोला शिवाजी महाराज ने जब मुगलों की उनके सिपाहियों ने एक लेडीज को पकड़ा था, तो शिवाजी महाराज ने उनकी लेडीज छुड़वा दी थी, लेकिन उनको बांदी नहीं बनाया था। हक है हाँ। मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसा, मतलब मैंने उसको जो बोला था थोड़ा याद है साहिल भाई, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में।
तो मैंने उसको बहुत सी बातें की और तो मुझे बोलता है भाई तुमको सही बोल बोलू ना, मैं भी इतना मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ यार ये कैसा अल्लाह है, अगर अल्लाह को सबको अगर अल्लाह को सबको अगर अल्लाह को मुसलमान से इतना प्यार, अगर अगर अल्लाह को अगर अल्लाह को अगर मुसलमान से इतना प्यार था तो उस पूरी दुनिया में मुसलमान ही पैदा करता, ये कैसा हो गया, ये जन्नत में जाएंगे ये जन्नत में जाएंगे। तो मतलब तो मेरे दोस्त ने बोला यार सही बात बोलू, मैं भी इतना भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं भी भरोसा रखता हूँ तो मैं कर्मा पे भरोसा रखता हूँ, तो मेरे ख्याल से तो वो भी एक मुस्लिम हो गया। ओ हो, तीन दोस्त एक साथ, काश मुझे भी ऐसे दोस्त मिले होते यार, क्या बात है अब्दुल भाई, क्या बात है। तेरे दोस्त ही बगैर थे साले। और साहिल भाई एक बात और, साहिल भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, साहिल भाई कल परसों की बात है, तो मैं जैसे इंस्टा पे मेरी बहुत आईडी है, तो इंस्टा पे जैसे मैं जैसे कमेंट जो मारते हैं, तो एक मैंने एक हिंदू को देखा, तो उसने नीचे का कमेंट लिखा हुआ था क्या नहीं इस्लाम बहुत प्यारा है, तो मैंने उसको कमेंट में मैंने बोला क्या भाई आप मुसलमान हो, तो बोला नहीं, तो मैं बोला भाई मुझे आपसे बात करनी, तो वो उसने बोला ठीक है करो ना, मैंने बोला यहाँ नहीं प्राइवेट चैट में करूंगा, तो मैंने उससे इंस्टा पे बात की, तो मैंने उस जो आपने आपको मालूम है एक आयत थी आपने बोला उसमें लिखा हुआ है जहाँ काफिर दिखो वहां मारो काटो घेरो है ना, तो मैंने मैंने उसको वो भेजी, तो मैंने बोला भाई ये कैसा अल्लाह है जो इतना फर्क करता है इंसानों में, मारो काटने की बातें करता है, ये कैसा अल्लाह हो सकता है। तो बोलता है भाई ये सब तुम गुमराह हो चुके हो, बोला तो गुमराह मैं नहीं हुआ भाई, गुमराह तू हो गया, असल में तू फॉलोअर्स करने वाला बाबा साहब अम्बेडकर को है, समझा तू बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना और मोहम्मद को पढ़ना, अगर तू मोहम्मद को फॉलो करेगा तो तेरे हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर जहन्नम में जाने चाहिए, तो बोल तुझे पसंद है बाबा साहब अम्बेडकर जहन्नम में जाएंगे क्योंकि वो तो नॉन मुस्लिम है काफी ने। तो वो बोलता नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं, तुमने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है, तो मैंने बोला जब तूने इस्लाम पढ़ा तो ये पता मुझे साफिया मोहम्मद की औरत कैसे बनी, जेनाब जो जेनाब थे वो मोहम्मद की पहले कौन थी, तो वो सबका तो जवाब नहीं दे रहा। मैंने फिर उससे कहा मैंने ये बता फिर आयशा की जब शादी हुई तो वो कितने साल की, तो मोहम्मद की शादी कितने साल की हुई, जब मोहम्मद ने आयशा से सेक्स किया तो मोहम्मद कितने साल का था, आयशा कितने साल की थी, चलिए बता तुझे, तो ये सबका जवाब नहीं दे रहा। तो मैंने बोला भाई चूतिया तो मुझे बोलता है मैं इस्लाम पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, एक थाली में बैठ के खाना खाने से प्यार नहीं होता, वो दुश्मन ही खाते एक थाली में, समझा, जिसको जिसको मैंने उसे कहा जिसको अगर पीठ पे छुरा घोपना हो ना तो प्यार प्रेम ही करते, पहले प्यार प्रेम दिखाते, मतलब इस तरह ये इस्लाम है, एक थाली में बैठ के खाएगा फिर पीठ पे छुरा घोपेगा। वाह भाई वाह, ते तो आपने एंटी तबलीग भी एकदम जोरों शोर से कर दी, और चूंकि आपने जो अभी हजरत आयशा के बारे में बताया तो मैं ये वीडियो बहुत देर से मुझे रिएक्ट करना था, एक वीडियो है मैं आपके सामने लेके आता हूं, आप इसमें देखिएगा कि जो हमारे अब्दुल साहब ने अब्दुल भाई ने अभी बताया है, ये मुझे पता नहीं शायद एडम साहब सही से बताएंगे ये यूके का है या यूएसए का है, ये यहाँ पे एक शख्स जो है वो ये बात कह देता है कि भाई हजरत मोहम्मद साहब जब शादी हुई तभी 53 साल के थे और उन्होंने 9 साल की हजरत आयशा के साथ सेक्सुअल पेनेट्रेशन किया, तो ये मुसल्टी और मुसल्टा जो है किस तरीके से उसको मारने के लिए आंग पे आते आप देखिएगा, ये देखिए स्क्रीन पे नहीं दिख रहा ना जी, नहीं नहीं ये अमित को लगाना पड़ेगा शायद, अमित अभी है क्या नहीं है, अमित एक मिनट रुको, अमित को देखना पड़ेगा, अमित कहाँ है, ओके एक काम करेंगे जब अमित आएगा ना तो हम वो वीडियो चला लेंगे, क्योंकि मेरे पास ये वीडियो नहीं, अमित के पास है वो वीडियो। जी, और एक बात और साहिल भाई, जब मैंने मेरे दोस्त को बोला था वो बोलता अरे सब 5,000 लेके आते हैं न्यूज में, एक मुस्लिम साहिल एक मुस्लिम समीर, अरे मेरा भाई वो अगर 5,000 में, मैंने उससे कहा 5,000 में तुम्हारा परिवार छोड़ दोगे, तुम तुम्हारी बीबी छोड़ दोगे,
तुम तुम्हारे माँ बाप छोड़ देंगे 5,000 में, तो बोलता नहीं। तो मैंने बोला उन्होंने छोड़ा है क्योंकि उन्होंने हक को पहचाना है, सच को पहचाना है, उन्होंने पढ़ा है उस चीज को। खाली ये नहीं जो मुल्ला ने बोला उसको हाँक दिया, क्या अब क्या मोहम्मद साहब जाते थे बूढ़ी कचरा फेंकती थी वो। मैंने बोला मेरा चैलेंज है तुम एक कुरान या हदीस से मुझे निकाल के बता दो वो बूढ़ी का किस्सा। वाह वाह भाई वाह, चुप हो गया एकदम, क्या बात है। बोला जी जी जी